छेड़खानी मामले में आरोपी डॉक्टर ने बताया वो बेकसूर है, बदले की भावना से महिला से लगवाए आरोप। ये सब कहना है देहरादून के प्रेमनगर के झाजरा में सुभारती हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर पीके सिंगल ने दूसरे डॉक्टर और उनके साथियों पर आरोप लगाते हुए कहा है। कुछ लोग सुभारती हॉस्पिटल की चारों ओर फैल रही ख्याति से दुर्भावना रखते हैं। ये मुझे और अस्पताल को बदनाम करने की असफल कोशिश है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। नवभारत समाचार देहरादून से। मेरी जो है छाती में हाथ लगाने लगा, उसके बाद उसे खींचने लगा, उसके बाद जो है जिससे धड़कने चेक करते हैं उसके उसकी सहायता से मेरे पेट में चेक करने लगा और फिर मेरे प्राइवेट अंग में उंगली करने लगा और फिर बोलने लगा कि आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, आप इतने बड़े हो गए, आपने कभी सेक्स नहीं किया। इस तरीके की बातें वो मुझसे करने लगा और मुझे इतना डर लग गया था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई डर के मारे। और मेरा भाई मुझे कहने लगा कि तू यहाँ से दवाई ले ले, मैं दवाई ले ले, उसने दवाई लिखी होगी डॉक्टर ने। तो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ थोड़ी देर और खड़ी हो पाऊँ। तो मैंने जैसी मैंने उसे बोला कि नहीं तो चल घर घर, मैं घर आई तो उसके बाद मैं घर में किसी से बोल ही नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हुआ है करके। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है करके। तो जैसे ही मैंने उनसे बोला कि आपने मुझे अकेले क्यों छोड़ा वहाँ पे, आजकल के लोग बहुत खराब है और खराब है करके आपने मुझे अकेले कैसे छोड़ दिया वहाँ पे। फिर उसके बाद तो मम्मी ने मुझसे पूछा कि तू बता कि वहाँ पे हुआ क्या है करके। जैसे ही मैंने बताया कि उन्होंने मुझसे मेरे से बदतमीजी करी और मेरे प्राइवेट पार्ट्स में हाथ लगाने लगे और मुझसे गलत गलत सवाल करने लगे। तो बेटा आपने पुलिस में रिपोर्ट कराई है इसकी? हाँ, मैंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट कराई थी। जैसे हम वहाँ से आए, हाँ जी, उसके बाद उन्हें रस्टिकेट किया था वहाँ से हॉस्पिटल से। हाँ, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम यहाँ से कार्रवाई भी करेंगे क्योंकि आप लिख के दे दो। उसके बाद हमने उनको लिख के दे दिया था कि ऐसी ऐसी बात हुई है मेरे साथ। उसके बाद उन्होंने उस डॉक्टर को पीके सिंगाल को जो है रेस्टिकेट कर दिया था। फिर हमने जो है यहाँ पे रिपोर्ट भी करवाई थी झाजरा थाने में। हाँ जी। उसके बाद उन्होंने बोला था कि कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कुछ भी हमें पता नहीं है कि क्या कार्रवाई चल रही है। ठीक है, शुभ नाम डॉक्टर पीके सिंगाल। डॉक्टर साहब, अभी कुछ ही दो दिन पहले कुछ मामला निकल के आया था, क्या मामला था ये आपका? जो मामला था वो बिल्कुल फर्जी था, वो बेबुनियाद था, वो केवल मुझे और सुभारती अस्पताल को बदनाम करने की साजिश थी और कुछ नहीं। ये किसने करा था ऐसा कुछ, किसी के बारे में बताएंगे आप? ये गुट है एक, उसका उजागर मैं जरा और पता कर लूँ उसके बारे में, फिर मैं उनका नाम लूंगा। अभी नाम लेना उचित नहीं होगा, ठीक है, इस समय। लेकिन जरा सर मैं कंफर्म कर लूँ अपने आप को, फिर मैं उनका नाम आपके चैनल पे लूंगा। तो जिस महिला ने आपके पास एप्लीकेशन लगाया था, उस महिला साहब वो महिला पहले भी आपके पास आती थी क्या? पहले कभी नहीं। क्योंकि उसका यह कहना था कि मैं वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए गई थी, तब डॉक्टर साहब ने मेरे साथ छेड़खानी करी, उस महिला का यह कहना है? बिल्कुल गलत बात है। मेरी 40 साल की प्रैक्टिस हो गई, 40 साल की प्रैक्टिस में मेरी उम्र 65 साल है, 40 साल की प्रैक्टिस में ऐसी कभी कोई बात मेरे सामने नहीं आई और मेरे बारे में न सुनी है न कहीं आई है। अभी आप क्या चाहते हैं इसके अंदर? मैं बस डिनाई करना चाहता हूँ, आप भी उसको डिनाई कर दीजिए कि बातें गलत हैं, बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत है बस। सर आपको जैसा कि आपने बताया कि मतलब कि कई लोगों की मतलब मुझसे जलस भावना है, तो ऐसे कौन लोग हो सकते हैं कि जो किस कारण आपसे जलस भावना रखते हैं वो लोग? ये हमारी जो सुभारती में मैं 2017 से हूँ, इसमें जो हमारी सफलता है इससे हमसे दुर्भावना रखते हैं। और मुझे पता चला है कि उसी रात पार्टी हुई है, शराब की बोतल खुली है, उनका नाम मैं बता सकता हूँ। ये कौन लोग थे? उसमें एक AMS मिस्टर बट्टारक से, हाँ जी, और एक डॉक्टर राधे, ठीक है, ये दो लोग तो थे, बाकी और मैं पता करके बताऊंगा।